हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज हम लेट आए हैं वॉक पर। सूरज निकलाया है, आंखें नहीं खुल रही है, जानबूझ के लेट आए हैं। और बच्चों को भी, दोनों को आ रहा हुआ, दोनों साथ आया। तो अदवे तो हमेशा ही आता ही है ताकि विटामिन डी मिल जाए बच्चों को। तो हम थोड़ा सा बैठ गए हैं डायरेक्ट धूप में, बने रहना मेरे साथ। आ रहा, देखो सन बात करने लग गया, ये थक भी गया है, थक भी टायर्ड हो गया जल्दी ही। ये हमें आने भी नहीं देता, लेकिन जल्दी ही टायर्ड हो जाता है। लेकिन ये सन बात भी कर रहा है, ये इतना समझदार है, ना धो कर आया है वॉक पर। सबकी पोल खोलने लग रहा है भाई। यार तो हमारी कह रहे ये ना कर नहीं आए वॉक पर। ये जो रोड है फ्रेंड्स, यह व्हीकल अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली ओनली पैदल चलने वालों के लिए और साइकिलिंग के लिए है ये रोड। स्कूटर हाँ, बच्चों का स्कूटर। अरे वो कह रहे हैं स्कूटर बच्चों का, लेकिन और कोई व्हीकल अलाउड नहीं है यहाँ पर। कम आ जाओ बेटा, कहाँ शो यू स्विंग। फ्रेंड्स, इस सोसाइटी का नाम जो है किंग्सफोर्ड वाटर बे है। तो जो वाटर का ही थीम बनाया हुआ है, देखो हर जगह इतना साफ पानी होता है, एक भी पत्ता नहीं मिलेगा आपको इसके अंदर, डेली सफाई होती है। तो चारों तरफ पानी का ही थीम बनाया हुआ है, इतनी सुंदर सोसाइटी है ना ये। ये बच्चे खेल रहे थे और मैं और सर घूम के देख रहे थे सोसाइटी को पूरा, जितना घुमा जाए, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा सुंदर सोसाइटी है ये, बहुत ज़्यादा अच्छी। बार बार मैं आपको बता रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ मैं यहाँ खड़ी होकर। आरा और अद्वे ये खेल रहे हैं, स्कूटर चला रहे थे अपना और हम घूम रहे थे यहाँ पर। ये फ्रेंड्स इवनिंग का नज़ारा देखो, सिंगापुर का बादल छाए हुए हैं, पेड़ ही पेड़, पेड़ पौधे, ग्रीनरी ही ग्रीनरी किनारे है। यही एरिया है बेटे का, सोसाइटी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, कई टावर हैं इसके अंदर और हर सुख सुविधा है यहाँ पर ना, हर चीज। मुझे तो यहाँ का एरिया बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा। तक आप देख सकते हो, हरियाली ही हरियाली है और मौसम भी देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्लाउडी वेदर यहाँ लगभग ऐसा ही रहता है। ये देखो बिल्कुल काले बादल, थोड़ी सी गर्मी होती है बारिश आ जाती है। और सोसाइटी के अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है बच्चों का, पूरी सोसाइटी में कहीं खेलते रहे, मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी। और बहुत बड़ी सोसाइटी है, सर भी बैठे हैं आराम से,
यहाँ पर देखो ये बैठने का जो बना रखा है, अपना सामान ले आते हैं खाने पीने का, चाय वाय बनाकर ले आते हैं अपने, और अपने स्विमिंग पूल के किनारे पेड़ पौधों के बीच में हरियाली के बीच में खा पी के नहीं, यहीं से ये सिस्टम है यहाँ का, खूब तो इंजॉय करते रहते हैं लोग। आरव ये बताने के लिए आया है, ये अपने फ्रेंड्स को कबड्डी खेलना सिखा रहा है जो कि मैंने इसको सिखाई है। तो अब ये बताने के लिए आया है कि मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। अब अद्वे को बुला कर ले गया है कि आप समझाओ भैया उनको कबड्डी कैसे खेलते हैं। बाय।